हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो वाई 33s एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट करना है। अब नोटिफिकेशन के इस पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, ये होम स्क्रीन ऐप आइकन बैच का, इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। अभी आपका पेज ओपन होगा होम स्क्रीन ऐप आइकन बैच का, इसमें आपका जो है ना पहले से जो ये डू नॉट डिस्प्ले के सामने वाले सर्कल पे आपका पहले से टिक मार्क लगा होगा, यानी कि आपकी सेटिंग पहले से ऑफ होगी। तो इस सेटिंग को ऑन करने के लिए आपको डू नॉट डिस्प्ले के ऊपर आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, डॉट का और ये नंबर का, इन दोनों में से आपको कोई सा भी एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है जिससे आपकी सेटिंग इनेबल हो जाएगी, यानी कि ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसे डॉट पे सेलेक्ट कर लेता हूं। तो यहां पर जो है ना अभी ये सेटिंग जो है ऑन होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन पे कभी भी नोटिफिकेशन आएगा ना, तो जिस ऐप का वो नोटिफिकेशन होगा उस ऐप के ऊपर आपको एक डॉट लगा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना इनेबल करने के बाद इस तरीके से काम करेगी। अब मैं आपको इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है, होम स्क्रीन ऐप आइकन बैच, ठीक है। तो आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा होम स्क्रीन ऐप आइकन बैच का। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सबसे ऊपर सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे की साइड में शो हो जाएगा तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्ट सेटिंग में आपको लेकर आ जाएगा और इस सेटिंग को हाईलाइट करेगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।